गुड मॉर्निंग गाइस, क्या बोलते हो? आप सब ठीक हो ना? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, अभी ना कुछ घंटे पहले मेरे पास फोन आया कंपनी का, यानी कि मेरी बाइक यामा R15 के शोरूम से कॉल आया कि आपकी बाइक रेडी हो गई है सर, आप अपनी बाइक ले जाइए। तो गाइस, मैं बहुत खुश हो गया था यार, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज्यादा यार, पूछो मत कितना ऐसा खुश, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि मेरी खुशी का ठिकाना मत पूछो यार। बाइक की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा है। तो गाइस, टाइम हो गया है लगभग 12 और कॉल आया था लगभग 11 बजे। तो गाइस, मैं निकल रहा हूँ शॉप से, यामा शोरूम पे बाइक लेने। यार बहुत दिन यार, हाय हाय पूछो मत भाई कितना एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, बाकी यहाँ से निकलते हैं यार, मिलते हैं आपको सीधा शोरूम पे, क्योंकि यार मैं जाऊँगा ऑटो से, ऑटो से जाऊँगा तो क्या आपको ऑटो वगैरह दिखाना, कभी दिखाऊँगा मैं ऑटो से भी ट्रैवल कैसे करता हूँ, ऑटो से भी दिखाऊँगा भाई। आज वैसे मैं लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं जो ऑटो से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि बाइक है नहीं, जिसकी वजह से घर पे ऑटो से जाना पड़ता है और शॉप पे ऑटो से आना पड़ता है। तो कोई नहीं, आज लास्ट डे है अपना, फिर अपन अपनी क्वीन के साथ घूमेंगे भाई। सो गाइस, बाकी निकलते हैं यार यहाँ से, मिलते हैं आप लोगों को शोरूम पे। सो गाइस, इतनी खुशी यार, खुशी। पहले देखो, सबसे पहले देखो भाई, आप देख रहे हो इतनी खुशी, बस पूछो कितनी खुशी। तो गाइस, हम आ गया शोरूम, बाइक को यहाँ से लेते हैं, फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या क्या पार्ट चेंज हुआ इसका। जहाँ तक मेरे को देखने में लग रहा है ना, इसकी इस साइड के सारे ही न्यू लग रहे हैं, सारे पार्ट्स, मिरर, इसका वाइजर वगैरह सब चीज़ न्यू लग रहे हैं। बाकी यहाँ से बाइक लेता हूँ, निकलता हूँ, फिर जब आपको तसल्ली से बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम थी इसमें और क्या क्या पार्ट चेंज हुआ है, अब कैसी चल रही है देखूँगा वो तो चला के। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या बोलते हो? आप सब ठीक हो ना? सो गाइस, सुबह का टाइम हो गया है 8:06। देखो, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, स्प्लेंडर में टाइम देखने का ऑप्शन नहीं होता और R15 में इधर कोने में होता है, तो टाइम आराम से दिख जाता है। और मैं अब जा रहा हूँ वीडियो शूट करने, क्योंकि आप लोगों को दिखा नहीं पाया था कल कि क्या क्या पार्ट चेंज हुआ है इसका, क्या क्या नहीं, वो मैं दिखाऊंगा अब आप लोगों को, और कमी भी बताऊंगा, अभी भी कमी है। सो गाइस, आप जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, मैं रोज़ाना अपडेट दे देता हूँ इंस्टाग्राम पे। यदि आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, यहाँ पे आप लोगों को आईसी में आईडी मेंशन हो जाएगी। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, कल अपनी बाइक ठीक होके आ गई थी, और ख़र्चा तो देखो मेरे को छोटा ही आया है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्लेम में हुई है, मगर मेरा फिर भी लगभग 2,000 रुपये खर्चा आया है। और उस 2,000 रुपये में मैं बताता हूँ मेरा क्या क्या पार्ट चेंज हुआ, मेरा नहीं, मेरी बाइक का क्या क्या पार्ट चेंज, उस 2,000 रुपये में क्या क्या लगाया। सबसे पहले तो देखो आप लोग बाइक। तो गाइस, बैकग्राउंड ना थोड़ा सा जंगल का है, क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ी सी शांति सी है, गांव में मैं वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे ना साला थोड़ा सा वो वाला सीन है कि लोग आ रहे जा रहे हैं, ये वाला सीन है। तो गाइस, मैं शुरू करता हूँ बताना आप लोगों को पीछे से। ये देख रहे हो इसका राइट वाला, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये पूरी की पूरी फेयरिंग चेंज हुई है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नई डली है। प्लस जब मैं लद्दाख राइड पे गया था तो इस पर टॉप बॉक्स गिर गया था, जो यहाँ से टूट गया था ऐसे, ये नया डला है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा नया डला है, और ये पूरी की पूरी फेयरिंग नई डली है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी नई डली है। प्लस ये नया डला है, ये वाला मिरर नया डला है, प्लस ये मरघाट डला है, ये पूरे का पूरा सोकर डला है, ये इससे नीचे का हिस्सा पूरा नया डला है, पूरा नया। और इसके अंदर एक चीज़ और बोले थे, इसके अंदर एक चीज़ और होता है, वो पार्ट नया डला है, ये तो डला है कंपनी के थ्रू। और मैं बता देता हूँ, जो मैंने अलग से
जो पार्ट मैंने खुद चेंज कराया और जो पार्ट उन्होंने खुद चेंज करा उसका मेरे को क्या क्या पे करना पड़ा। सबसे पहले तो मैंने एक ये लेफ्ट वाला मिरर चेंज कराया था। नहीं 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 सॉरी गाइस, पहले मैं बता देता हूँ, एक चीज़ और चेंज हुआ था क्लेम में। क्लेम में यहाँ से ना ये जब आई थी बाइक तो एक लड़की ने घेर दी थी, तो जिसकी वजह से ये इधर से गिर गई थी और यहाँ से टूट गया था ये भाई, क्या बोलते इसको, मत्थे को इंग्लिश में, मेरे को पता नहीं इंग्लिश आती यार। तो हम आज कोई अच्छी सी पोस्ट पर होते इंग्लिश आती, बस इंग्लिश की वजह से हमने थोड़ी सी नौकरी की तैयारी नहीं करी बस, और ये रीज़न भी है। हाँ ये सब तो मजाक में होता रहता है। हाँ तो मैं बता देता हूँ, ये मिरर चेंज हुआ है अपने पैसों से, और इस सोकर में ना यहाँ पे रबड़ वगैरह बता रहे थे, और इस सोकर का ऑयल, सोकर की रबड़ और सोकर का ऑयल जो कि अपने पैसों से चेंज हुआ है वो सब उन्होंने मेरे को बताया था। सोकर ऑयल लगभग 300-400 रुपये का सोकर ऑयल बताया था, और रबड़ भी बताई थी, 3-4 चीज़ें बताई थी मेरे को जो सोकर में क्लेम के अंदर नहीं आती, वो जो कि मेरे को पे करना पड़ा उसका, और बाकी सब चीज़ कंपनी ने क्लेम में करवाया है। और क्लेम अप्रूवल के लिए वो चार्ज लगा है 600 रुपये, तो 600 रुपये तो क्लेम अप्रूवल, और 455 रुपये का लेफ्ट वाला मिरर, और ये सोकर ऑयल और सोकर वगैरह ये सब लगभग 1900 रुपये खर्चा आया था, 1900 रुपये टोटल, लगभग 2000 रुपये मान लो, क्योंकि मैंने बाहर शोरूम पे जाके ना, शोरूम पे मैंने कहा कि भैया इसको वॉश कर देना, कि जो भी हो पैसा है तो मैं पे कर दूँगा वॉश का, तो उन्होंने बोला कि पैसे की कोई बात नहीं है, दरअसल आज लड़का नहीं आया है वॉश के, वॉश वाला बाइक को वॉश करने वाला, तो मैंने बाहर से वॉश कराई है बाइक, जिसमें कि बाहर से नॉर्मली 100 रुपये खर्चा आता है। अच्छे से देख रहे हो आप लोग कैसा चमक मार रहे भाई बाइक में, लग रहा है कि हाँ एकदम नई सी लग रही है बाइक। और अब मैं बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम अभी भी क्या क्या फील हो रही है मेरे को। अगले ब्रेक मार रहा हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ सी आ रही है, मे भी शायद ऐसा, या तो ऐसा हो कि सोकर की आवाज़ हो, वो हो सकता है शायद सोकर की आवाज़ हो, क्योंकि नया सोकर डला है, ये चीज़ नहीं डली है और ये तो पुरानी ही है ना, तो हो सकता है कि कुछ नया एक दो दिन में ठीक हो जाए। और प्लस यहाँ पे ना जब ये बाइक ठुकी थी तो यहाँ से थोड़ा सा चिक बोलते हैं बाइक की भाषा में, चिक आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा ना हैंडल ब्रेक मारते तो अप हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, गैप हो जाता है, परफेक्ट नहीं रहता, गैप हो जाता है। वो जितना जो पहले 100% था ना वो उन्होंने ठीक करा है, मगर अभी भी मेरे को 10-20% अभी भी फील हो रहा है ब्रेक मारने पे, और गद्दगी में भी फील हो रहा है, तो उस चीज़ को मैं बोलूँगा और इसको ठीक कराऊँगा, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है अभी। कोई नहीं, कराएंगे ठीक इसको भी, आज तो नहीं कल इसको ही खाता हूँ मैं शोरूम पे जाके, और बाकी इस पर अभी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दूँगा मैं, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, अपन जल्द ही, अब तो जल्द ही बोलूँगा क्योंकि बाइक आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है, अपन जल्द ही अपनी राइड पर निकलने वाले हैं। सो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो शेयर कर देना, बाकी आने वाले टाइम में अपनी अच्छी अच्छी राइड की वीडियो आएगी भाई। यार कसम से भाई एक चीज़ बोलूँगा, कभी भी अपने दोस्तों को बाइक मत देना यार, बस इतना बोलूँगा, बाकी समझदार हो आप लोग क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए बाय बाय टाटा।